रायपुर के दीक्षांत समारोह में उपस्थित छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री रमेन डेका जी, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, केंद्रीय राज्य मंत्री आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय श्री तोखन साहू जी, चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स एनआईटी रायपुर डॉक्टर सुरेश डाबरे जी, निर्देशक डॉक्टर एन बी रमणा राव जी, अध्यापकगण, अभिभावकगण, प्यारे विद्यार्थियों, देवियों और स्वजन, आप सबको मेरा नमस्कार। आज उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों ने अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण चरण को पूरा करके दूसरे चरण में प्रवेश किया है। इस उपलब्धि पर मैं सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई देती हूँ। आज पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों ने अपने परिश्रम और प्रतिभा के बल पर विशिष्ट मान्यता प्राप्त की है। पदक विजेताओं को मैं विशेष बधाई देती हूँ। विद्यार्थियों की सफलता में परिवार के प्रोत्साहन तथा प्राध्यापकों के मार्गदर्शन की निर्णायक भूमिका होती है। मैं सभी विद्यार्थियों के परिवारजनों तथा प्राध्यापकों को भी बधाई देती हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, टेक्नोलॉजी का विकास विज्ञान पर निर्भर होता है। इंजीनियरिंग में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए अत्याधुनिक वैज्ञानिक प्रगति के बारे में मैं जानकारी बनाए रखना आप सबके लिए सहायक सिद्ध होगा। हाल ही में घोषित किए गए वर्ष 2024 के नोबेल पुरस्कार विजेताओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े कार्यों पर दो वैज्ञानिकों को फिजिक्स के लिए तथा कुल चार वैज्ञानिकों को केमिस्ट्री के लिए चुना गया है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क से लेकर माइक्रो आरएनए के अन्वेषण तथा प्रोटीन स्ट्रक्चर के प्रिडिक्शन तथा एनआई के उद्योग पर आधारित ऐसे कार्य साइंस और टेक्नोलॉजी की परंपरागत सीमाओं के ऊपर उठकर ही किया जा सकता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्षेत्र में किए गए इन कार्यों से अनेक असाध्य बीमारियों के रोकथाम और इलाज के रास्ते खुलेंगे। यही इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में भी इनोवेशन को प्रोत्साहित करेगा। ये कहा जा रहा है कि जिस तरह इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद मनुष्यों के शारीरिक परिश्रमों को महीनों द्वारा सहायता और विस्तार प्राप्त हुआ, वैसे ही एआई रिवॉल्यूशन से मानसिक क्षेत्र के बड़े बदलाव आएंगे। पूरे विश्व में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विषय को प्राथमिकता दी जा रही है। भारत ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का संस्थापक सदस्य है। एआई का सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामरिक तथा अन्य कई क्षेत्र में गहरा प्रभाव पड़ेगा। इंडिया एआई मिशन के तहत स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित दिया जा रहा है। एआई से जुड़े अनेक क्षेत्रों में हमारे युवा इंजीनियर्स के लिए विकास के नए रास्ता खुलेंगे। हेल्थ केयर के क्षेत्रों में भी टेक्नोलॉजी का उपयोग निरंतर बढ़ रहा है। दोनों क्षेत्रों के विद्यार्थियों को इंटरडिसिप्लिनरी सहयोग के लिए सक्रिय रहना चाहिए। इसी वर्ष अप्रैल में मुझे टाटा मेमोरियल सेंटर तथा आईआईटी बॉम्बे द्वारा कैंसर के उपचार के लिए देश में विकसित की गई पहली जेनी थेरेपी का शुभारंभ करने का अवसर मिला था। कार टी सेल नामक ये उपचार विदेशों में विकसित किए गए ऐसे उपचारों की अपेक्षा बहुत कम खर्च है मरीजों के लिए उपलब्ध हो गया है। प्रिय विद्यार्थियों, मेरा इस बार का छत्तीसगढ़ प्रवास यहाँ के विद्यार्थियों को समर्पित है। मैं चाहूंगी कि आईआईटी बॉम्बे और टाटा मेमोरियल सेंटर के उदाहरण से प्रेरणा लेकर एनआईटी रायपुर के विद्यार्थी और प्राध्यापक, एम्स रायपुर, आईआईटी भिलाई और पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय के साथ सहयोग की संभावनाओं को
समझे और उन्हें कार्यरूप प्रदान करे। पारस्परिक सहयोग का मेरा ये संदेश मेरी इस बार के प्रवास से जुड़े यहाँ के अन्य तीनों संस्थाओं के लिए भी है। ऐसा सहयोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी किया जाना चाहिए। स्थानीय शुरुआत को राष्ट्रीय एवं वैश्विक विस्तार दिया जा सकता है। स्थानीय समस्या का कम खर्च पर समाधान विकसित करना सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रौद्योगिकों और विद्यार्थियों और प्राध्यापकों की प्राथमिकता होनी चाहिए। आपका प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव वैश्विक परिवेश को ध्यान में रखते हुए विश्व स्तर का होना चाहिए। साथ ही आपके प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज का लाभ स्थानीय जनता को भी मिलना चाहिए। थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल, ये नीति कुछ बहुराष्ट्रीय उद्यमों द्वारा अपनाई जाती है। ये सोच भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों और प्राध्यापकों के लिए और भी अधिक प्रासंगिक है। प्रिय विद्यार्थियों, डिजिटल इंक्लूजन के क्षेत्र में हमारे देश की सफलता ने पूरे विश्व समुदाय को आश्चर्यचकित कर दिया है। हमारे देश में ऐसे अन्य उदाहरण प्रस्तुत करने की संभावनाएं और क्षमताएं विद्यमान है। एनआईटी रायपुर जैसे अन्य टेक्निकी शिक्षण संस्थान एवं आप सब युवा विद्यार्थियों में ये उत्साह होना चाहिए कि ऐसे संभावनाओं को समझे और उन्हें कार्यरूप प्रदान करें। अपने योगदान का दायरा आप जितना अधिक विस्तृत करेंगे उतना ही अधिक आपका व्यक्तिगत विकास होगा। बड़ी सोच बड़ी आकांक्षाओं को जन्म देती है। बड़ी आकांक्षाएं ही प्रभावशाली यथार्थ का रूप लेती है। कार्य जगत में प्रवेश करने की इस अवसर पर आपको अपनी प्राथमिकताएं तय करने हैं तथा अपनी जीवन मूल्य निर्धारित करने हैं। क्या आप केवल अपने व्यक्तिगत विकास और सफलता के लिए काम करेंगे या समाज और देश के विषय में ही चिंता करेंगे? क्या आप सफलता की दौड़ में तेजी से अकेला आगे निकल जाना चाहेंगे या अपने संगी साथियों तथा पीछे रह गए लोगों को भी साथ लेकर आगे बढ़ेंगे? क्या आप भौतिक सफलता के लिए नैतिक मूल्यों से समझौता करेंगे? मुझे लगता है ना, आप जरूर सबको लेकर आगे बढ़ेंगे, सबके साथ साथ देश को भी आगे बढ़ाएंगे। जो व्यक्ति अपना काम पूरी निष्ठा नैतिकता और कुशलता के साथ निरंतर करते रहते हैं उन्हें सहज ही लोगों का सम्मान प्राप्त होता है। यही बात संस्थाओं के विषय में भी लागू होती है। आप सभी विद्यार्थी लोगों के साथ कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहिए, सफलता और प्रतिष्ठा आपका अनुसरण जरूर करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करना व्यक्तिगत जीवन को सार्थक बनाता है तथा सामाजिक जीवन को बेहतर बनाता है। सौभाग्य से हमारे देश में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे महान विभूतियों ने टेक्नोलॉजी का मानव कल्याण के लिए उपयोग करने के अनेक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। मैं केवल एक उदाहरण का उल्लेख करती हूँ। डॉक्टर कलाम दिव्यांग लोगों की, खासकर दिव्यांग बच्चों की एक समस्या का समाधान करना चाहते थे। दिव्यांगजन के उपयोग के लिए जो कृत्रिम पैर बनाया जाता था उसका वजन बहुत अधिक होता था। डॉक्टर कलाम ने स्पेस रिसर्च से जुड़े मेटालिर्स का उपयोग करके जयपुर फूड संस्थान को बहुत ही कम वजन में प्रोस्थेटिक्स उपलब्ध कराए। ऐसे कृत्रिम अंगों से लाखों लोग दिव्यांगजन लाभान्वित हो चुके हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी का देश की सुरक्षा और समाज कल्याण के लिए उपयोग करने हेतु डॉक्टर कलाम ने अपार यश अर्जित किया। प्रिय विद्यार्थियों, सरकार ने भारत को ग्लोबल सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब
बनाते हैं तथा अन्य अनेक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर लगभग 3 वर्ष पहले इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का शुभारंभ किया है। अधिक विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस की दृष्टि से सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बहुत महत्वपूर्ण है। इस उपयोग में युवा इंजीनियरों को रोजगार तथा स्टार्टअप्स के अनेक अवसर मिलेंगे। हमारे देश के प्रतिभाशाली इंजीनियर्स ने ऐसे अनोखे उद्यम स्थापित किए हैं जिनके बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। आप जैसे युवा विद्यार्थियों ने निहित इंजीनियरिंग टैलेंट पूल के बल पर हमारे देश में महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाए जा रहे हैं और उनका कार्यरूप दिया जा रहा है। ऐसे सभी क्षेत्रों में इंजीनियरिंग टैलेंट के से युक्त आप सभी युवाओं को अपनी प्रतिभा का उपयोग करने के अवसर मिलेंगे। आप सब इनोवेशन की मानसिकता के साथ कुछ नया करने का उत्साह हमेशा बनाए रखिए। आपकी पीढ़ी का टैलेंट पूल भारत को विश्व का इंजीनियरिंग सॉल्यूशन सेंटर बना सकता है। इस वैश्विक सोच के साथ आगे बढ़िए। प्रिय विद्यार्थियों, आप सब विकसित भारत का निर्माण करेंगे। ऐसे विकसित भारत की सुविधाओं का लाभ भी आपको ही मिलेगा। आपकी पीढ़ी के प्रयासों से भारत विश्व में अपनी स्थिति को और मजबूत बनाएगा। मैं आप सभी विद्यार्थियों के स्वर्णिम भविष्य के लिए मंगल कामना करती हूँ। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।